हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट। अपना टॉपिक है स्कल रेडियोग्राफी। अपन ने स्कल के व्यूज पढ़े थे, अब अपन स्टार्ट करेंगे स्कल के एपी व्यू। एपी व्यू में पिछले वीडियो में बताया था, एपी व्यू में आता है अपने नॉर्मल एपी व्यू, एपी व्यू विद 30 डिग्री एंगल, काउडियल एंगल जिसको अपने बोलते हैं, टाउन्स व्यू, एपी व्यू विद 30 डिग्री एंगल, ये व्यू करते हैं अपने जाइगोमेटिक आर्च के लिए। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था, एपी व्यू नॉर्मल यानी फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू, जिसमें इंडिकेशन था फॉर ओनली ट्रोमा केसेस, और पेशेंट की पोजीशन थी पेशेंट सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल, चिन टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स द चेस्ट, चिन को क्या करेंगे, हल्का सा चेस्ट की तरफ नीचे करेंगे, पेशेंट की ऑर्बिटोमेटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी, पेशेंट की ईयर पिना रहेगी इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल, पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा टेबल के, पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन या इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल के पैरेलल रहती है, हेड को इमोबिलाइज करने के लिए स्थिर करने के लिए अपने सैंड बैग्स का यूज लेते हैं, जिसमें कैसेट की पोजीशन क्या थी, 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट के अपर बोर्ड कहाँ होनी चाहिए, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। ये देखो, ये अपने एपी व्यू की नॉर्मल एपी व्यू की पोजीशन थी, जिसमें सेंटरिंग बिल्कुल कहाँ पे हो रही थी, फोरहेड पे। ये ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर, सेंटरिंग देखो मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या था, ऑक्सीपिटल बोन क्लियर सीन हो रही थी, फेशियल बोन है वो क्या, सर्वाइकल बोन को सुपरइम्पोज कर रही थी। आज अपने पढ़ेंगे ये सेकंड एपी व्यू यानी फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल यानी फुट की तरफ एंगल देंगे। इस व्यू को अपने क्या बोलते हैं, टाउन्स व्यू। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे एपी व्यू विद 30 डिग्री यानी टाउन्स व्यू, ये इसका स्पेशल नेम है, एग्जाम में स्पेशल नेम से व्यू आते हैं। इसका इंडिकेशन अपना रहेगा फॉर ओनली ट्रोमा केसेस, कोई भी ट्रोमा केस हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, उसको देखने के लिए। कैसेट साइज क्या यूज में लेते हैं, 8, 10 और 10, 12। अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो पेशेंट सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल इन ट्रू एपी पोजीशन, पेशेंट क्या करेगा, टेबल पे बिल्कुल सीधा लेटेगा एपी पोजीशन में, चिन इज टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स चेस्ट, जिनको क्या करेंगे, हल्का सा चेस्ट की तरफ नीचे करेंगे, पेशेंट ऑर्बिटोमीटर लाइन, पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या रहेगी, टेबल के परपेंडिकुलर रहती है, पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल, पेशेंट की जो ईयर पिना है वो टेबल के इक्वल डिस्टेंस रहेगी। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या रहेगा, टेबल के परपेंडिकुलर रहता है, पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या होगी, टेबल के पैरेलल होगी, इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग, हेड को स्थिर करने के लिए क्या करेंगे, सैंड बैग्स का यूज करेंगे, या अपने हेड क्लैंप का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पोजिशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजिशन क्या रहती है, तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट का अपर बॉर्डर कहां रहेगा, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर।
इसके बाद आती है अपनी सेंटरिंग, यानी सेंटरिंग कहाँ करेंगे, सेंट्रल रे ओवर द मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 30 डिग्री टू द फुट, यानी काउडियल एंगल। सेंट्रल रे कहाँ पे रहेगी, मिड लाइन पे रहेगी, किसके, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के, जो अपने इंट्रा ऑर्बिटल लाइन होती है उस मिड लाइन पे अपने सेंटरिंग करेंगे। और ट्यूब में कितना एंगल देंगे, 30 डिग्री एंगल, किसकी तरफ, फुट की तरफ, जिसको अपने क्या बोलते हैं, काउडियल एंगल। इसमें अपने पेशेंट की पोजीशन क्या रखी थी, पेशेंट एपीयू में लेटा था, उसका मिडल सेटल प्लेन परपेंडिकुलर था, दोनों ईयर पिना इक्वल डिस्टेंस पे थी, ऑर्बिटो मिटल लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और हेड को इमोबिलाइज करने के लिए यानी स्थिर करने के लिए क्या किया था, सैंड बैग का यूज लिया था। सेंटरिंग अपनी हो गई मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 30 डिग्री टू फिट, यानी मिड लाइन पे अपने सेंटरिंग करके इंट्रा ऑर्बिटल की मिड लाइन पे, और ट्यूब को एंगल देते हैं एक्सी ट्यूब को 30 डिग्री का फुट की तरफ, जिस एंगल को अपने बोलते हैं काउडियल एंगल। ये इसमें देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये था अपना नॉर्मल व्यू जिसमें अपन ने सेंटरिंग कहा थी, कहाँ की थी, फोरहेड के मिड पॉइंट में बिल्कुल बीच में, और इसमें सेंटरिंग कहाँ करेंगे, 30 डिग्री ट्यूब को एंगल देके इस तरह से। पहले अपने ट्यूब का एंगल ये था, अब अपने ट्यूब को 30 डिग्री एंगल दे दिया तो ट्यूब का एंगल ये हो गया। इसमें पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन दोनों ऑर्बिट्स के बीच की लाइन पर सेंटरिंग करते हैं और ट्यूब को 30 डिग्री एंगल देते हैं। अब रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या क्या दिखाई देगा, द ऑक्सीपिटल बोन इज क्लियरली सीन एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर बोन्स। ऑक्सीपिटल बोन क्या होगी, क्लियरली सीन होगी और सेपरेट फ्रॉम अदर बोन्स, अदर बोन से अलग अपने को दिखाई देती है। फोरामेन मैग्नम इज क्लियरली विजिबल, फोरामेन मैग्नम क्या हुआ, क्लियरली विजिबल होगा विद पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन्स आइदर साइड ऑफ इट। इसके दोनों साइड में क्या दिखाई देगा, फोरामेन मैग्नम के टेम्पोरल बोन का पेट्रस पोर्शन। सेला टर्सिका अपेयर्स इन द मिड लाइन ऑफ फोरामेन मैग्नम, सेला टर्सिका दिखाई देती है अपने को मिड लाइन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल मिड लाइन में अपने क्या दिखाई देगी, सेला टर्सिका। अब अपने बात करते हैं इसके एक्सपोज की, एक्सपोज में डिस्टेंस रखते हैं अपने 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे 70 से 80, एमएस देंगे अपने 80 और गेड का यूज करेंगे। इसके बाद में देखो अपने को डायग्राम दिखा रखा है जिसमें नीचे की ऑक्सीपिटल बोन जो कैसेट के टच में रहती है वह अपने को क्लियर सीन होती है, और ये बीच में जो गोल गोल दिखाई दे रही है क्या है, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम वह पार्ट होता है जिससे अपनी सर्वाइकल निकलती है, तो वो भी अपने को क्लियरली सीन हो रहा है। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ये पार्ट्स, ये क्या है, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं पेट्रस पोर्शन, और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में दिखाई देगी अपने को सेला टर्सिका। देखो इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, ये अपना बिल्कुल मिडिल स्ट्राइटल प्लेन से प्लेन काटा हुआ है, इसमें स्कल की ये टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन ये स्पेनोइड बोन में जहाँ जुड़ती है उस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ये देखो ये क्या है, स्फेनोइड बोन, और ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो घुमावदार मोड़ दिखाई दे रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ये बिल्कुल अपने ब्रेन के बीच में होती है यानी स्कल के बिल्कुल बीच में होती है। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अपने कर रहे थे एपी व्यू यानी फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, इसका स्पेशल नेम क्या होता है, टाउन्स व्यू। इसका इंडिकेशन है ट्रोमा केसेज या फ्रैक्चर पैथोलॉजिस्ट कंडीशन, कैसेट साइज इसमें रहेगा 8 10 10 12, पोजिशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजिशन क्या रखेंगे, पेशेंट टेबल पे सुपाइन रहेगा या सीधा लेटेगा इन ट्रू एपी पोजिशन।
चिन को क्या करेंगे, हल्का सा डाउनवर्ड करेंगे चेस्ट की तरफ। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन टेबल के परपेंडिकुलर रहती है, पेशेंट की ईयर पिना टेबल के इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। पेशेंट मिडल साइटल प्लेन टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलर लाइन, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलर लाइन पैरेलल रहती है टेबल के। हेड को इमोबिलाइज करने के लिए अपने नॉन रेडियो ओपेक का यूज़ में लेते हैं, जैसे कि सैंड बैग या पैड्स का। इसके बाद बात करते हैं कैसेट ऑफ कैसेट की पोजीशन। तो कैसेट की पोजीशन रहती है 1 इंच अबव द वर्टेक्स ऑफ स्कल। सेंटरिंग इसकी करते हैं अपने मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल, जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है उसके बिल्कुल मिड लाइन पे। ट्यूब एंगल रहेगा अपना 30 डिग्री टूवर्ड्स द फिट, फिट की तरफ, जिसको अपने बोलते हैं काउडिल एंगल। ये देखो इसमें दिखा रखा है, ये नॉर्मल व्यू की सेंटरिंग थी और इस ट्यूब को 30 डिग्री एंगल दे दिया, जिसमें अपनी सेंटरिंग कहाँ हो गई, बिल्कुल काउडियल एंगल हो गई। एंड 30 डिग्री फुट की तरफ एंगल दे दिया, जिसमें अपने टाउन्स व्यू हो गया। और नॉर्मल व्यू था वो कौन सा था, एपी व्यू। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस देखो, ऑक्सीपिटल बोन क्लियरली सीन होती है, सबसे अलग, सेपरेटेड फ्रॉम अदर बोन्स। फोरामेन मैग्नम क्लियर सीन होता है। पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में दिखाई देता है। सेलेटर्स का अपेयर्स होती है मिड लाइन ऑफ द फोरामेन मैग्नम में। एक्सपोजर इसके रहते हैं 90 to 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। केवी रहते हैं 70 से 80। एमएएस 80 और ग्रिड यूज में लेते हैं। ये देखो इसमें अपने को ये जो बीच में घेरा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिससे सर्वाइकल स्पाइन निकलती है। इसके दोनों तरफ पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन दिखाई दे रहा है, इसके बीच में सेलेटर्सिका दिखाई दे रही है, और बाकी फेशियल बोन से अदर बोन सुपरिम्पोज हो रही है।